सुप्रभात बच्चों, आपका स्वागत है यूकेजी डोरेमोन में। आज क्या है, फ्राइडे 20 और डेट है 23 अप्रैल 2021। आज हम ज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो आज हम ज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, व्यंजन करेंगे, राइट, संयुक्त व्यंजन। हमने क्या क्या पढ़ लिया, श पढ़ लिया, श से शमा, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल पढ़ लिया, त्र से त्रिकोण, त्र पढ़ लिया है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद का व्यंजन। ठीक है, उसके बाद का व्यंजन पढ़ेंगे। ये क्या है, व्यंजनों का घर है। ये क्या है, व्यंजनों का घर। यहाँ पे क से लेके ह तक व्यंजन रहते हैं। क से लेके ह तक क्या रहते हैं, व्यंजन रहते हैं। और एक संयुक्त व्यंजन भी आया था ना, दो संयुक्त व्यंजन आ चुके हैं इसके घर में। चूचू चूचू, कौन कौन से आए थे, श, कौन कौन से आए थे, श, श से शमा, श से क्षत्रिय, और कौन से आए थे, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, है ना। और एक और संयुक्त व्यंजन पीछे डिब्बे में बैठ के आया है, वो कौन सा है, ज्ञ से ज्ञानी। कौन सा है, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी क्या है, ये ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं, जो कि हमें नॉलेज देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, ये हो गया ज्ञ से ज्ञानी। त्र से क्या था, त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, और श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय। ठीक है, तो बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ज्ञ से ज्ञानी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ज्ञ से ज्ञानी है ना, ये दो अक्षरों को मिलके बना हुआ है, दो अक्षरों को मिलके बना हुआ है ज्ञ से ज्ञानी। ये ज्ञ से ज्ञानी दो अक्षरों को मिलके बना हुआ है। कौन कौन से अक्षर हैं, एक तो ज से जहाज और इया से खाली। ठीक है, ज से जहाज और इया से खाली से, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, ज्ञ से ज्ञानी बना है। ठीक है, ज्ञ, ज्ञ से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, नॉलेज। ठीक है, ज्ञान क्या होता है, नॉलेज। और ज्ञ से क्या होता है, विज्ञान, साइंस। साइंस एक सब्जेक्ट होता है, जो कि जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना, तब उसको पढ़ोगे। तो कौन कौन से शब्द हुए, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो हमें नॉलेज देता है, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो ज्ञ है ना, ज्ञ को मैं आपको ट्रेस करके बताऊंगी। ओके, जैसे हमने श को ट्रेस किया था, त्र को ट्रेस किया था, वैसे ही ज्ञ को ट्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी में ज्ञ से ज्ञानी लिखेंगे।